से वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य का कुल बजट 91,277 करोड़ रुपए लेकर के सरकार लाई आई थी, और उसमें से पिछले कार्यकाल से जब इनका बजट 83,000 करोड़ का था उससे भी घटा करके जल संसाधन विभाग, जो इस प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में जाना जाता है, विशेष करके राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण आबादी है, खेती पर निर्भर आबादी है, पहाड़ झरना तालाब उसके साथ जुड़ी आबादी है, और उसके बावजूद भी मात्र अगर दोनों अनुपूरक राज्य सरकार का हम मिला दें तो अपने 91,277 करोड़ की राशि में 1,298.46 करोड़ राशि ही सरकार ने बजट में रखने का काम किया था। और उसकी स्थिति क्या है, उसमें से भी दिसंबर पार हो गया, विगत 9 महीने में इस सरकार ने मात्र 45% राशि अपने बजट का खर्च कर पाई है। पिछले वर्ष भी आप सबको ध्यान में होगा कि हमने इन बातों को केंद्रित करते हुए आपके समक्ष लाया था कि पिछले वर्ष जो सरकार एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का रोना रो रही थी, वहीं दूसरी ओर पिछले साल भी एक साल में सरकार एक कदम नहीं चल पाई थी, वहीं विगत 2 साल के शासन काल में भी ये सरकार एक कदम भी चलने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से पलामू जैसे सुखाड़ क्षेत्र में कन्हर बराज परियोजना, आज उसकी स्थिति क्या है, सरकार ने प्रथम बजट में भी और दूसरी बजट में भी इसको प्रावधानित करने का काम किया था कि हम उस योजना को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। उसी प्रकार से लंबे समय तक एक सफेद हाथी बना हुआ स्वर्ण रेखा परियोजना, आज स्वर्ण रेखा परियोजना सरकार जस की तस स्थिति खड़ी है। उसी प्रकार से गुमानी बराज के बारे में जो केंद्र संपोषित योजना चल रही थी संथाल पूर्णा के अंदर, गुमानी बराज की स्थिति भी जस के तस खड़ी है। उसी प्रकार से बटेश्वर सिंचाई पंप नहर योजना, जो माँ गंगा के पानी को ला करके संथाल पूर्णा में सिंचाई योग्य बनाना था, एक कदम भी सरकार विगत 2 सालों के शासन काल में नहीं चल पाई। और इस प्रकार से जब हम इन योजनाओं को देखेंगे तो कुल बजट का मात्र 6.5% ही सरकार ने जल संसाधन विभाग में रखने का काम किया था। उसी प्रकार से जब ये मूल बजट को ही सरकार खर्च नहीं कर पाई, वैसे में अनुपूरक ला करके और केवल औपचारिकता निभाने का काम सिंचाई परियोजनाओं में सरकार ने किया है। और तो और जब हम देखेंगे यह जो 45% की राशि खर्च करने की बात आ रही है, तो पूरे पिछले बजट से लेकर के और अभी वर्तमान में लाए हुए विगत विधानसभा सत्र में अनुपूरक के बीच में, ये केवल लूट और झूठ के ही 2 साल ये सरकार ने बिताने का काम किया है। आपसे मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, एक बार आप सब लोग भी सिमडेगा जाकर देखिए, हृदय विदारक घटना घटी, हृदय विदारक घटना। कल उसकी पत्नी आई थी, उसकी बहन आई थी, उसकी माँ आई थी, हमारे आंख से आंसू ही नहीं निकले, बल्कि आत्मा भी रोने का काम किया कर कि सभ्य समाज में आज भी पकड़ करके जिंदा जला देने का काम राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में हो रही। अगर थोड़ा भी नैतिकता है हेमंत सोरेन जी में, इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, तो CBI से जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको जानते हैं कि सिमडेगा का विधायक वहां पर उसकी पत्नी कह रही थी, उसकी माँ कह रही थी कि उन्होंने प्रभोग करने का काम किया था, प्रभोग करने का काम किया था। इसलिए राज्य की सरकार में नैतिकता है, मॉरलिटी है और कानून के प्रति सम्मान है, तो CBI की जांच अविलंब कराई।